तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डोनेश साहू जी, जिन्होंने खुद इस एग्जाम को क्रैक करके पूरा हम लोगों को आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाए और क्या-क्या होता है इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद। तो एक चॉइस था कि हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है, तो मैंने इंग्लिश को चुना और एक दूसरा पछताया भी कुछ नहीं मिलता था इंग्लिश में, कुछ नहीं। इवन छत्तीसगढ़ के तो मतलब फैक्ट भी ऐसा रहता था कि जब तक आप उसको पूरा लाइन को ना पढ़ो, मतलब उसको ट्रांसलेट करने में जो पसीने निकल जाता है, ऐसा लगता था कि 1 साल का काहे ले लिया यार मैंने। हिंदी मीडियम में ऐसा होता है कि हमको सब अवेलेबल होता है, तो हम ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारते, और इंग्लिश मीडियम में मुझे मतलब अलग अलग हाथ पैर मारने पड़ते थे। कोई भी टॉपिक होगा उसका 3-4 बुक्स ढूंढना पड़ता था, तो उसका एक फ़ायदा मिला मुझे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो गया। जब अपने लिए मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यार मुझे इतने पीरियड तक मुझे करना है, और उस पीरियड में भी ऐसा नहीं कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहा, कुछ टाइम ऐसे आते थे कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, मतलब इतनी डिफिकल्टीज, सब कुछ छूट जा रहा है, ना कहीं घूमने जा पा रहा हूँ, ना किसी की शादी में जा पा रहा हूँ, यार कुछ और कर लेता हूँ, सब चीज़ इंजॉय करूँगा लाइफ में, लाइफ में सब चीज़ होनी चाहिए। फिर साथ में जो इस टाइम में आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो मेरे मुरली देवांगन सर है, जो उन्होंने पर्सनली गाइड बहुत गाइड किया, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा गाइडेंस होना चाहिए, कोचिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको समझे, आपको आप जानते हैं कि आप कहाँ पर लो हैं, उनको हाई करना है, तो एक ऐसा एक दो आदमी होने चाहिए आपके पास। और मतलब मैं मेरे किस्मत ही था बोलूँगा कि मेरे पास है एक दो ऐसे आदमी की जो मुझे बताते हैं कि नहीं यार अभी ऐसा मत सोच, अभी समय खराब है, कुछ टाइम बाद सब अच्छा हो जाएगा।